तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी लोडिंग पिकअप वाहन में सामने से जोरदार टक्कर मारी। 22 वर्षीय युवक की मौत, 7 लोग घायल। पोहरी थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी लोडिंग पिकअप वाहन ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक 22 साल की युवक की मौत और 7 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए पोहरी के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक पोहरी थाना क्षेत्र के सालोदा गांव के रहने वाले विमल कुशवाहा, ब्रजेश कुशवाहा, नीरज कुशवाहा, पूरन कुशवाहा, हरिशंकर कुशवाहा, कल्लू कुशवाहा, देवेंद्र कुशवाहा, करण सिंह कुशवाहा पिकअप लोडिंग वाहन MP07GA0493 में मूंगफली की फसल भरकर श्योपुर की मंडी में बेचने के लिए शनिवार की रात निकले थे। रात करीब 11:30 बजे परीक्षा बस स्टैंड पर लोडिंग वाहन को रोककर सभी मूंगफली से भरी बोरियों को रस्सी से बांध रहे थे। इसी दौरान पोहरी की ओर से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक MP07G0745 ने सड़क किनारे खड़ी पिकअप वाहन में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के वक्त विमल कुशवाहा सड़क पर खड़ा हुआ था और शेष लोग लोडिंग वाहन में भरी बोरियों को रस्सी से टाइट कर रहे थे। सभी लोग ट्रक की चपेट में आकर घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए तत्काल पोहरी के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर ने 22 साल के विमल कुशवाहा को मृत घोषित कर दिया। पोहरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप ट्रक को जब्त कर जांच शुरू कर दी। पोहरी से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।